नमस्कार, मैं हूँ एसके मालवी और आप देख रहे हैं S24। S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का। कर्मचारी एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद। तिवारी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 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 आ जाइए, खड़े हो। ये मैंने बताया जैसे कि नए लफाफे में पुराना सामान है जो कि सरकारी कर्मचारियों को मंजूर नहीं है। जब अच्छी है तो नेता अपना क्यों नहीं ले लेते यूपीएस को, स्वयं ओपीएस लेते हैं सरकारी कर्मचारियों को। एनपीएस अच्छी है, यूपीएस अच्छी है का बार बार जो छलावा दे रहे हैं, इसमें सरकारी कर्मचारी नहीं फंसेगा। हमें भी ओपीएस ही चाहिए। दिल्ली का पहुंच, दिल्ली पहुंचते के साथ ही हमारे जो दिल्ली के प्रदेश के अध्यक्ष हैं ललित जी हैं, और साथ ही जो हमारे उपाध्यक्ष हैं, जो पूरी संगठन हमने तैयार किया है, उसका आगाज जल्दी ही मध्य प्रदेश को दिल्ली में आमंत्रित करेंगे। जैसा कि बताया कि जंतर मंतर पर, राजघाट पर और हमारे रामलीला मैदान में हम पुरानी पेंशन बहाल की मांग करेंगे। संसद में सभी सांसदों से अपील करेंगे और उनसे भी मांग करेंगे कि ओपीएस की बात को संसद में क्यों नहीं उठाया जा रहा है। ये एक बड़ा मुद्दा है। पूरे देश का सरकारी कर्मचारी अलग अलग संगठन, अलग अलग गुट के अंदर बटा हुआ है, तो हम उन सबसे बात कर रहे हैं कि सभी एक साथ जुड़े। इतनी मैं कह रही हूँ कि मुझे भी शामिल करो गुनाहगारों की महफिल में। अरे मैं भी कातिल हूँ, मैंने अपनी ख्वाहिशों को मारा है, मैंने अपनी ख्वाहिशों को मारा है। हम सरकारी कर्मचारी ऑफिस की ख्वाहिश को लेकर बात कर रहे हैं। कोई बड़ी सुविधा नहीं मांग रहे हैं, कोई बंगले नहीं मांग रहे हैं, कोई कोठी नहीं मांग रहे हैं। बुढ़ापे का सहारा ही तो है और पहले से ही मिलता रहा है, कोई नई डिमांड भी नहीं कर रहे हैं। तो जो पुराने पहले से मिलती आ रही है उसे दे दीजिए, दिक्कत क्या है? क्यों बार बार उसको बदलाव कर करके नई नई पैकिंग में शानदार चमक धमक में लगा रहे हैं? देखिए 2004 के बाद जितने भी सबकी नियुक्ति हुई है सरकारी कर्मचारियों की, 2004 के बाद संख्या बल बहुत कम था, लेकिन आज संख्या बल बहुत हो गया। 60,000 शिक्षक साथी हैं जो हमारे दिल्ली में हैं, उसके अलावा डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, सभी सरकारी कर्मचारी हैं जो एनपीएस को लेने के लिए बाध्य हैं। सरकार है कि सुनती ही नहीं है, नहीं सुनती है। यही कारण है कि हमें आंदोलन की आवश्यकता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता है। दिल्ली वाले मध्य प्रदेश आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के हर जिले में जाकर हम सरकारी संगठनों के सभी कर्मचारियों को एकजुट कर रहे हैं। देश के आधी आबादी की हम पूरी बात करेंगे। महिलाओं को अपील करती हूँ कि आगे आए, अपने हक अधिकार की बात करें। हमारा हक है, कोई खैरात नहीं है। मैं ललिता अध्यापक हूँ और देश के दिल दिल्ली से आई हूँ, और अब राष्ट्रीय महिला न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसके बारे में यही ख्याल है, हमारा कहना है कि एनपीएस जो एक रावण की तरह है, उसे हम पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं। हमें सिर्फ सरकार से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहिए, ओपीएस। जो उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं ओपीएस इनके लिए जायज नहीं है, तो हम कहते हैं अगर जायज नहीं है तो वो क्यों ले रहे हैं चार चार पेंशन? हमें तो एक पेंशन ले सकते हैं। हम कर्मचारी हैं तो हम रोड हर दिन रोड पर क्यों उतरे भाई? हम देश का भविष्य बनाते हैं और हमारे भविष्य निधि का कोई मतलब उनको ख्याल ही नहीं है। तो हमसे, हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम उनसे, हमें उनसे ओपीएस चाहिए, बस इसी की लड़ाई हमसे। जिस दिन वो हमारे लिए बहाल कर देंगे उस दिन हमारी लड़ाई खत्म। नाम और परिचय थोड़ा। मेरा सुनीता चौहान है, मैं जिला सिंगरौली से हूँ, वहाँ की जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा, प्रवक्ता न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ मध्य प्रदेश का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। मेरी सरकार से एक ही मांग है कि यदि ओपीएस आपको खराब लगती है तो आप वो हमें दे दें, और हमारी एनपीएस या यूपीएस जो हमारे लिए बना रखी है वो ले लें। सरकार कहती है, अभी तक कहती रही एनपीएस में बहुत सुविधाएं हैं, तो मैंने कहा आप ले लीजिए, आपको ओपीएस खराब लगती है आप क्यों लिए, मुझे दे दीजिए, पर नहीं देंगे। अब उन्होंने पुराने माल की नई पैकिंग करके यूपीएस के नाम से दिया है जो हमें मंजूर नहीं है, और पुरानी पेंशन हमको ज्यों की त्यों जो 2003 से पहले मिलती थी वो चाहिए। अब आप कहेंगे इसमें अंतर क्या? उसमें ये अंतर है कि उसमें मेरा कोई कटोतरा नहीं होता था, जो मेरा पैसा था वो जीपीएफ के रूप में रहता था, जिसे हम अपनी बीमारी हारी दुखी बच्चों की शादी में यूज कर सकते थे। इसमें वो प्रावधान नहीं है। लगता तो है कि 20 लाख हो गए, लेकिन जब निकालने जाएंगे तो उन्होंने कहा आपका तो 2 लाख, 2 लाख निकलेंगे, 1 लाख निकलेंगे, तो वो सिर्फ गिनने के लिए मिलता नहीं है। इसलिए हमको पुरानी पेंशन ही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जब तक नहीं मिल जाएगी मरते दम तक लड़ता रहूंगा, और हमारे बाद हमारी आगे आने वाली पीढ़ी लड़ेंगी और लेके रहेंगे। हम इसलिए लड़ रहे हैं, हो सकता सरकार हठधर्मता से न दे,
लेकिन हमारे बच्चे जो आएंगे कल हमसे वो प्रश्न नहीं करेंगे कि हमारे पूर्वजों ने कुछ किया नहीं। मैं लड़ रहा हूँ, लड़ता रहूंगा, आगे भी लड़ूंगा। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल एक और खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।